नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और शुरुआत एक बड़ी खबर से, जहां मुंबई पहुंचे हैं यात्री। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने का जो मिशन है वो लगातार जारी है। रोमानिया से मुंबई यहां पहुंचा है पहला विमान, तो भारतीयों का पहला दल पहुंच गया है मुंबई। 219 स्टूडेंट्स की यहाँ वतन वापसी हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इन छात्रों को रिसीव किया है। 3 और फ्लाइट रोमानिया से भारत आएंगी। सरकार ने इस अभियान को ऑपरेशन गंगा नाम दिया है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार छात्रों को लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यूक्रेन से एक विमान मुंबई पहुंचा है मुंबई एयरपोर्ट, और 200 से ज्यादा भारतीय छात्र इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खुद वहां मौजूद थे। उन्होंने रिसीव किया छात्रों को, उनकी परेशानियों को समझा और कहा कितने छात्र हैं, ये भी उनसे जानकारी ली है। And as you go back home, please reassure all your Marine Ukraine not to worry, be patient. Today the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also and requested him to keep all Indians safe and secure, to provide safe passage to all your colleagues who are still there. The Russians have also promised to help evacuate all our Indian nationals. So I would urge all of you, be very strong and give that strength to all your other friends who are still in Ukraine. Another flight will be coming into Delhi shortly by the morning, and this process will continue. I must thank the Air India crew and the entire Air India team. यही भारत की ताकत है, और इसी ताकत को हमको उन सब बच्चों को देना है जो अभी वहां पे है। और आप सबका तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुरक्षित हैं, हम उसके लिए भगवान से धन्यवाद करते हैं। और यहाँ भी आपकी सब सुविधाओं के इंतजाम किया गया है, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। वेलकम बैक टू द मदरलैंड। और यूक्रेन में तनाव के बीच कई भारतीय छात्र अब भी वहां फंसे हैं। ऐसे में जिन छात्रों की घर वापसी हो रही है उनके परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। यूक्रेन में पढ़ाई करके रीवा के प्रज्वल तिवारी के घर लौटने के बाद परिवार में जश्न जैसा माहौल है। प्रज्वल ने बताया कि रूस यूक्रेन के बीच तनाव को देखते हुए उसने फ्लाइट के टिकट बुक करा ली थी, और उसने फ्लाइट पकड़ते ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। प्रज्वल का कहना है कि उसके कई साथी अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, तो वही रीवा का बेटा प्रज्वल तिवारी MBBS का छात्र था जो यूक्रेन में फंसा हुआ था और अब वतन वापसी हुए। हमारे साथ खुद प्रज्वल तिवारी हैं। प्रज्वल तिवारी, सबसे पहले वतन वापसी हुई है, तो वहाँ की क्या स्थिति है यूक्रेन की? सर, स्थिति अब काफी खराब है यूक्रेन की। अब मतलब सारी दुकानें बंद है, लोगों को जरूरत की सामान का सामान नहीं मिल रहा, राशन पानी बंद है, और बच्चों को शायद पोलैंड शिफ्ट किया जा रहा है या जो भी नज़दीकी देश है वहाँ उनको शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन हालात अब बद से बदतर है सर, जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकालना चाहिए इंडियन स्टूडेंट्स जो बच्चे। क्या परेशानी हुई रास्ते में? मुझे तो सर कोई खास परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जब मैं आया तब सारी कंडीशंस नॉर्मल थी। बस ये है कि जब मैं अलमाती जो कि कजाकिस्तान में है, जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये सब न्यूज़ देखी कि ऐसा ऐसा हो गया, तो थोड़ा सा लगा कि हम कई छात्र भी होंगे, कई आपके परिचित छात्र हैं भारत के, तो लगभग कितने ऐसे छात्र हैं जो अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं? 20,000 टोटल इंडियन स्टूडेंट थे जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन में। मेरे हिसाब से समथिंग 3,000 या 4,000 स्टूडेंट वापस आ पाए हैं, और अभी भी वहाँ 15,000 के लगभग इंडियन स्टूडेंट्स हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रज्वल तिवारी, जिनकी वतन वापसी हुई है और माता पिता के साथ पूरा इलाका खुशी से का माहौल बना हुआ है। कैमरामैन विकल्प कुमार के साथ राजन शुक्ला बंसल, रीवा। और रूस यूक्रेन वॉर के बीच करीब 16,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं, जिनकी वतन वापसी के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। यूक्रेन में फंसे इन भारतीयों में ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। हर साल बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन जाते हैं। आखिर मेडिकल स्टूडेंट की पहली पसंद यूक्रेन क्यों होती है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं।
भारत से सस्ती है डॉक्टरी की पढ़ाई। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई भारत से कई गुना सस्ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से MBBS की डिग्री लेने में एक स्टूडेंट का खर्च लगभग 1 करोड़ रुपए तक आता है, जबकि यूक्रेन में 6 साल की मेडिकल की पढ़ाई के लिए खर्च करीब 20 से 25 लाख रुपए ही पड़ता है, यानी भारत से 80% का। दुनिया भर में यूक्रेन से डिग्री को मान्यता। यूक्रेन में स्टूडेंट्स को एक तरफ जहां ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, वहीं यूक्रेन से मिली MBBS की डिग्री की वैल्यू पूरी दुनिया में होती है। स्टडी इन यूक्रेन वेबसाइट के मुताबिक यूक्रेन से हासिल मेडिकल डिग्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, यूरोपीय काउंसिल और दूसरी वैश्विक संस्थाओं में मान्यता मिलती है। भारत में सीटों की मारामारी। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई पॉपुलर होने की एक वजह ये भी है कि भारत में MBBS के लिए बहुत ही टफ कंपटीशन है। रिपोर्ट्स की माने तो देश में MBBS के करीब 88,000 सीटें हैं और इसमें भी सरकारी सीटों की संख्या लगभग आधी है। हर साल भारत से लगभग 18,000 छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जाते हैं। वहाँ एडमिशन प्रोसेस भी काफी आसान है। इंडिया लौटने पर मिलते हैं अच्छे मौके। यूक्रेन से मिली मेडिकल डिग्री को नेशनल मेडिकल कमीशन मान्यता देता है। ऐसे में मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे यूक्रेन से सस्ते में मेडिकल डिग्री लेकर इंडिया लौट आते हैं। यहाँ उन्हें इंटर्नशिप और प्रैक्टिस का लाइसेंस मिल जाता है, साथ ही विदेशी डिग्री होने की वजह से नौकरी में भी बेहतर अवसर मिलते हैं। तो यूक्रेन में रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। यहाँ से कई हैरान और विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक टैंक सड़क पर सामने से आ रहा है और एक कार को अचानक रौंद देता है। वीडियो में कुछ लोग चीखते हुए कहते हैं कि टैंक ने कार को रौंद दिया। इस कार में एक बुजुर्ग सवार था, बाद में पता चला कि वो बुजुर्ग बच गया। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें साफ दिख रहा है कि कार पूरी तरह पिचक चुकी है और वो सीट पर फंसे हुए हैं। इसके बाद आसपास मौजूद लोग कार को तोड़कर उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन संकट पर इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात की है। रूस के हमले के बारे में जेलेंस्की ने पीएम मोदी को बताया है। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से अपील की है। उन्होंने कहा है कि UNSC में आप हमारा समर्थन करें। तो जेलेंस्की इससे पहले एक वीडियो बनाकर यह भी कह चुके हैं कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हमें सलाह की नहीं हथियारों की जरूरत है। तो 1 लाख सैनिकों ने हमला किया है, मदद कीजिए। तो इस वक्त बड़ी खबर यह कि रूस के हमले के बारे में जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात की है और मध्यस्थता करने के लिए कहा है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जैसे ही यूक्रेन पर हमला किया, शेयर बाजार यकायक भरभरा कर गिर गया। जंग की वजह से एक दिन में ही रूसी अरबपतियों को $39 अरब यानी कि करीब 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से जहां आम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है। पुतिन द्वारा यूक्रेन पर हमले का ऐलान करते ही अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगा दिए। इसके चलते शेयर बाजार ढहने लगा। दिन में ही रूसी अरबपतियों को $39 अरब यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इतिहास की 5वीं बड़ी गिरावट। 24 घंटे के अंदर देश के सबसे अमीर लोग हिल गए। अगर ये युद्ध ज्यादा खिंचा तो उनको और भी घाटा सहना होगा। गुरुवार को रूसी शेयर मार्केट में आई गिरावट स्टॉक मार्केट के इतिहास की 5वीं सबसे बड़ी गिरावट थी। रूस का बेंचमार्क मोएक्स इंडेक्स 33% टूटकर बंद हुआ। 1987 के ब्लैक मंडे के बाद सबसे बुरा दिन। रूसी करेंसी रूबल अपने सबसे निचले लेवल पर आ गया है। 1987 के ब्लैक मंडे के बाद शेयर बाजार में ये सबसे बड़ी गिरावट है। ब्लैक मंडे में निवेशकों को $50 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ था। रूस के शेयर बाजार में आई ये गिरावट देश के स्टॉक इंडेक्स इतिहास के सबसे बुरे दिनों में से एक है।
दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा असर पड़ा। यूक्रेन के युद्ध के चलते रूस पर अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश ने रूस पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इससे रूसी अरबपतियों को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस यूक्रेन विवाद के कारण देश के शीर्ष 23 अरबपतियों की संपत्ति में 32 अरब डॉलर की कमी हुई है। ये रूसी अरबपति हुए प्रभावित। एक रिपोर्ट के मुताबिक लुकोइल के अध्यक्ष वागेट अलेपेरोव की नेटवर्थ में एक दिन में ही एक तिहाई गिरावट आई है, जो 6.2 अरब डॉलर तक घट गई। स्टील मेकर सेवरस्टल के चेयरमैन एलेक्सी मॉर्जशोप को 4.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। उनकी संपत्ति 23 अरब डॉलर रह गई है। वहीं नॉरिल्स्क निकेल के अध्यक्ष और रूस के सबसे बड़े रईस व्लादिमीर पुतिन को 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में कल रविवार को 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होगी, वोट डाले जाएंगे। इसी फेज में उन धार्मिक शहरों में भी चुनाव है जिनके जरिए बीजेपी पूरे देश में चुनावी एजेंडा सेट करते आई है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट में सियासी संग्राम होना है। बीजेपी ने पिछली बार इन तीनों ही जिलों में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार पुराने प्रदर्शन को दोहराना एक चुनौती। अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट वो शहर हैं जिन्हें बीजेपी ने न सिर्फ धर्म नगरी का दर्जा दिया बल्कि राजनीतिक लिहाज से भी पार्टी चुनावी एजेंडे को भी धार देती रही है। इसलिए इन शहरों में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरती है। 2017 के चुनाव में इन तीनों धार्मिक नगरियों की कुल 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 15 सीटें जीती थी। और इंदौर के सांवेर में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां जमकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने ये तक कह दिया कि कमलनाथ सरकार में किसानों को ढेला तक नहीं मिला। शिवराज ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने किसानों के खाते में 1,72,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए डाले हैं। वैसे किसान बीमा पर इसे लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के भी आरोप के बाण सामने आए हैं। किसान पर कोई कोताही नहीं, गड़बड़ी की तो माफी नहीं। शिवराज की अफसरों को हिदायत, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ से मिलेगी राहत। पीएम कृषि बीमा योजना के तहत इंदौर के सांवेर में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत हुई। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री कमल पटेल सहित कई मंत्री विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार कहती थी कि किसानों का नुकसान कम से कम लिखो, लेकिन हम कहते हैं कि ज्यादा लिख दो। शिवराज अफसरों को हिदायत देते भी दिखे और ये भी जाहिर करते रहे कि किसानों के मसले पर कोई कोताही नहीं होगी। जब उनकी सरकार थी तो वो तो कहते थे नुकसान लिखो ही मत, कम से कम लिखो ताकि किसानों को देना ना पड़े। और हमारा साफ कहना है कि नुकसान हो जाए तो पूरा का पूरा लिखना, गड़बड़ नहीं हो जाए। और मैंने साफ कह दिया था कि ज्यादा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम लिख दिया तो नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। जो एक ढेरा नहीं देते थे वो हम पे सवाल उठा रहे हैं। कमलनाथ भी सुन लें और उनके पूर्व मंत्री भी सुन लें, 1,72,894 करोड़ रुपया किसान के खाते में 22 महीनों में डाले गए हैं, ये अपने आप में एक चमत्कार है। उधर कमलनाथ ने भी ट्वीट कर किसान हित की जितनी बात करनी थी कर डाली और साथ में सरकार के दावे वादे सबको हवा हवाई करार दे दिया। इसके बाद दिग्विजय सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, सीधा आरोप लगाया कि फसल बीमा योजना की दावा राशि वितरण में अनियमितता हो रही है। इतनी शिकायतें आईं कि मुझे इस मामले में एक जूम मीटिंग करनी पड़ी जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी बातें कही हैं और उसका विस्तार से मैं लगभग 15 पॉइंट ऐसे हमने निकाले हैं जिसमें मुख्य रूप से ये है कि पूरे इस बीमा के सर्वे में और जिस स्केल ऑफ फाइनेंस जो जिलों के लिए तय है उससे कहीं कम पर राशि दी जा रही है। एक बात साफ है कि दोनों ही दल किसानों को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, यानी 2023 में भी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा या उसका केंद्र किसान ही रहने वाले हैं।
यही वजह है कि कांग्रेस खुद को किसान हितैषी बताते नहीं थक रही। किसान कर्ज माफी, दिल्ली में किसान बिल को लेकर चला लंबा आंदोलन भी कांग्रेस भुनाना चाहती है। वहीं बीजेपी खुद को किसानों की पार्टी बताने से नहीं चूक रही है और कांग्रेस राज का पर्दाफाश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस कहावत को हकीकत में बदल दिया है बुरहानपुर के एक शख्स दीपक ने। दूध बेचने का काम करने वाले दीपक ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर उसे एक सरप्राइज गिफ्ट दिया है। अब ये गिफ्ट क्यों इतना खास है आपको दिखाते हैं। चिल्लर से भरी बोरियों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, तो जरा ठहरिए और अब इस बाइक पर नजर डालिए। ये बाइक दरअसल एक तोहफा है जो पति ने अपनी पत्नी को दिया है। खास बात यह है कि दीपक बोरसे नाम के शख्स ने 5 सालों में 50,000 की चिल्लर जमा की और अपनी पत्नी को ई बाइक गिफ्ट की है। 5 साल में धीरे धीरे करके चिल्लर जमा करके जैसे दत्त एजेंसी का दूध डेयरी में काम कर रहा हूँ, उसके जरिए जो मेरे पास चिल्लर आती है उससे जमा करके मैं जमा करी 5 साल। आ जाओ, उनको पता ही नहीं तो वो समझ गया, बोले हाँ बोले क्या चलो ठीक है कोई बात नहीं लेकर आ जाओ। बोले भारतीय पहला शोरूम मिला बुरहानपुर में जो चिल्लर मुझे देने के लिए हाँ कहा। महाजना पेट के रहने वाले दीपक बोर से दूध बेचने का काम करते हैं। इस दौरान रोजाना उन्हें जो चिल्लर मिलती थी उसमें से बचत वाले सिक्के दीपक जमा करता रहा। जब इन चिल्लर से बोरियां भर गईं, तो इसे लेकर दीपक शोरूम पहुंचा। बोरियों में भरी ये चिल्लर देखकर शोरूम मैनेजर भी दंग रह गया। पहले तो मैनेजर ने बाइक देने से मना कर दिया, लेकिन दीपक का अपनी पत्नी के लिए प्यार और समर्पण देखकर मैनेजर को अपना इरादा बदलना पड़ा। मैंने उनका उत्साह देखा कि अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षिका है वो, उनको बाइक दे रहे जन्मदिन के अवसर पर, तो मैंने भी उनका उत्साह देख कर एक नारी शक्ति को प्रोत्साहन देने हेतु मैंने चिल्लर लेना एक्सेप्ट किया। भारती को जब पता चला कि उसका पति दीपक जो चिल्लर जमा कर रहा है वो दरअसल उसे तोहफा देने के लिए है, तो भारती की आंखें भी खुशी से नम हो गईं। इस यादगार गिफ्ट से जहां भारती की खुशी सातवें आसमान पर है, वहीं पूरे शहर में ये खास तोहफा चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। चलिए अब बात करते हैं बालूद की, जहां के एक गांव में पौधों की सुरक्षा के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है। यहां पौधों को बचाने के लिए कफन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, आपको दिखाते हैं। कफन मौत के बाद काम आता है, लेकिन यही कफन इन पौधों को जिंदगी दे रहा है। जी हाँ, ये कफन ही है जो पौधों की हिफाजत कर रहा है। बालौद के मचौद गांव में पौधों को कफन से बचाने का काम किया जा रहा है, और बाकी के जो कपड़े दिखाई दे रहे हैं वो भी उन लोगों के हैं जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। हमारे ग्राम पंचायत में हम लोगों ने लगभग 3200 पेड़ लगाए हैं सर। अब लकड़ी का तो उसमें बांस का घेरा अपन किए थे, लेकिन बार बार जो बकरियां हैं या जानवर है वो उसको नुकसान पहुंचा देते थे, तो उसमें हमने सोचा कि ये जो कफन में जो कपड़े जो उड़ाते हैं उसको बाद में अपन जलवा देते थे, तो जलवाने से एक तो पर्यावरण दूषित होता था और उस दूषित को बचने के लिए और बकरी से बचाने के लिए उसको हमने एक प्रयास किया, और इस प्रकार से हमने उसमें कपड़े से पूरे उसको लपेट दिए। लपेटने से 3 फायदा हुआ सर, एक तो दिखने में बड़ा सुंदर लगा, दूसरा जो सूर्य का तेज गर्मी है वो रुक के आता है तो पेड़ को कम नुकसान पहुंचाता है। गांव में इंसान की मौत के बाद उनके कपड़ों और कफन को जलाया नहीं जाता, बल्कि इनका प्रयोग पौधों को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। मचौद गांव में वहां के जन प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के सहयोग से लगभग तालाब किनारे और सड़क के आसपास 3200 पौधे लगाए गए हैं, जिसे सुरक्षित रखने के लिए लकड़ी से बना हुआ ट्री गार्ड लगाया गया है। लेकिन ट्री गार्ड होने के बावजूद भी बकरियां और अन्य जानवर पौधों को नुकसान पहुंचाते थे, जिसे देखते हुए वहां के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने कफन से पौधों को ढकने की योजना बनाई। जनप्रतिनिधियों के इस प्रयास को देखकर ग्रामीण भी सराहना करते हुए उनका सहयोग कर रहे हैं। एक प्रकार का जो प्रदूषण फैल रहा है उसको रोक रहे हैं, और दूसरी बात पौधों की सुरक्षा कर उसको, क्या जानवर लोग हानि पहुंचा रहे थे पौधे लोग को, तो कफन से ढक रहे तो पौधे लोग सुरक्षित हैं, जानवर लोग नहीं
उसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक हमारे यहाँ की सरपंच का अच्छा प्रयास है ये। गांव के जनप्रतिनिधियों की ये कोशिश दूसरे गांव के लोगों के लिए भी एक मिसाल है। तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन मकसद नेक है और वो है किसी भी तरह पौधों और पर्यावरण को सहेज के रखना। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिलेश्वर देवांगन, बालौर, बंसल न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।